स्टार्ट। अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन टू थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस टू थीटा। पता साइन टू थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? सर साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है सर। और सर वन प्लस कॉस टू थीटा के तो सर तीन तीन फॉर्मूले होते हैं, हमको क्या पता हम कौन सा लगाएंगे? तो मुझे तो पता है ना तुम कौन सा लगाओगे। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सर वन से वन क्या हो गया, कैंसल। तो अपने पास बच क्या गया, टू साइन थीटा कॉस थीटा ऑन में टू कॉस स्क्वायर थीटा। टू से टू कैंसल, एक कॉस कैंसल। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा। चले पहले इस पे कोई डाउट क्या माँ ही, ठीक है सर। अब सर इसमें क्या कर रहा हूं, मैं बच्चों को समझाना चाहता हूं कि जब तुमने कॉस टू थीटा के फॉर्मूले लिखे थे ना, तो मैं कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है सर। और कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। हाँ यार सर ये बात भी समझ में आ गई हमको। तो आप कराना क्या चाहते हो, मैं इस वन को उधर भेजा, इस वन को उधर भेजोगे तो वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू कितना होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। सर आपने ये नया फॉर्मूला बना लिया, हाँ मेरी इच्छा वही तो मैंने बना लिया। सर यहाँ से आप क्या कर रहे हो, मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ। तो सर टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस टू थीटा। टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, वन माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है सर। अब अगर अपन बात करें बहुत ढंग से तो मैनू दस ना वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा पता कितना होगा, वन प्लस कॉस टू थीटा होगा तेरे पास कितना, टू कॉस स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉस टू थीटा कितना होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो साइन टू थीटा बच गया बीच में, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे बता वन माइनस कॉस थीटा कितना होगा, सर वन माइनस कॉस थीटा होगा टू साइन स्क्वायर थीटा। और बता साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होगी, सर ये होगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है सर। तो ऊपर से टू कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा कॉस बाय साइन। नीचे से टू साइन थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा कॉस बाय साइन। क्या बात कर रहे हो सर, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। कॉस बाय साइन इज समथिंग कॉट थीटा। कॉस बाय साइन कितना बच गया बेटा, कॉट थीटा। तो क्या सर ऐसे थे ये दो क्वेश्चन? हाँ तो क्या ये करा था कि कॉस ए प्लस कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, टू कॉस ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू, ठीक है सर। बात करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी का, टू साइन ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू का होल स्क्वायर। का कितना, होल स्क्वायर। मिसबा ध्यान देखना बेटा, तो बताइए क्या खुल रहा है, फोर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाय टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाय टू। सर ये क्या हो जाएगा, फोर साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाय टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाय टू, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाय टू, ठीक है सर। अभी इधर और इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं, फोर कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाय टू अगर कॉमन ले लें तो बताओ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाय टू प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाय टू, ठीक है सर। कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाय टू प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाय टू। तो क्या सर इसको अपन थीटा मान सकते हैं क्या, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया बेटा वन। अगर ये पूरा वन हो गया तो जो प्रूफ करना था वो आ चुका है सर। क्या मतलब का देखना बेटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है कितना है वन। तो सर ये अल्टीमेटली क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाय 2। क्या बात है यार सर, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो सर गेम क्या चल रहा है, यहाँ पे इन दोनों की जोड़ी, यहाँ पे इन दोनों की जोड़ी, तो ये cos a प्लस cos b क्या लिखोगे बताओ तो जरा। इसको लिखेंगे सर 2 cos a प्लस b बाय 2 cos ए माइनस बी बाय टू, क्या लिखोगे, प्लस टू कॉस ए प्लस बी प्लस सी बाय टू कॉस कॉस ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी बाय टू। ऐसा ही तो रूल होता है, कॉस का तो ये रूल यही होता है सर, ठीक है सर।
तो हम समझते हैं सर गेम क्या चल रहा है ऊपर का। अगर मैं बच्चों से बोलूं कि ये थे क्या, सी से सी तो कैंसिल हो गया, सी से सी तो क्या हो गया कैंसिल। ध्यान से देखिए तो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, टू कॉस ए प्लस बी बाय टू कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में बच क्या जाएगा, कॉस ए माइनस बी बाय टू प्लस प्लस कितना, कॉस ए प्लस बी प्लस टू सी बाय टू, ए प्लस बी प्लस टू सी बाय टू, कॉस टू कॉस ए माइनस बी बाय टू प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस टू सी बाय टू, टू सी बाय टू, बहुत सही, टू कॉस ए प्लस बी बाय टू, ठीक है सर। अब इसको सर कॉस पूरा हम पी मान लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, क्यू। अगर एक को पूरा पी मान रहे हो और एक को पूरा क्यू मान रहे हो तो देखो समझना चाहिए फिर सर ये क्या खुलने वाला है, टू कॉस पी प्लस क्यू मतलब क्या, ए माइनस बी बाय टू, ये पी है, ये पूरा क्या है पी प्लस क्यू, ए प्लस बी प्लस टू सी बाय टू, पी प्लस क्यू बाय टू, कॉस ए माइनस बी बाय टू माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस टू सी बाय टू बाय टू। तो ये जो बाय टू क्या कर रहे हो, अरे बेटा बायजू नहीं कर रहा हूँ, बायजू तो अलग कोचिंग है अपनी, कोचिंग अच्छी उससे, ठीक है ना, बाय टू करो सर, बाय टू क्योंकि ये पी है ये क्यू है डिवाइड बाय कितना टू। सबसे पहले तो बच्चों से बोलूंगा कि समझना यार ये जो टू है इसको बाहर ले लें ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा हो, तो फोर कॉस ए प्लस बी बाय टू, फोर कॉस ए प्लस बी बाय टू। अब बता इन दोनों का एलसीएम सेम है क्या, और अगर इन दोनों का एलसीएम सेम है तो ये बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा ये क्या बच गया कॉस, बता बता बता, टू ए प्लस टू सी, टू ए प्लस टू सी बाय कितना, एक टू फिर बाय एक और टू, भाई तो टू ए बाय टू फिर एक और टू, तो इधर पे क्या कटेगा, देख ए से ए कट जाएगा, ए से क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस माइनस टू बी माइनस टू सी बाय टू, कॉस माइनस टू बी माइनस टू सी बाय टू, ठीक है बेटा। अब अगर तुम मुझसे थोड़ी सी वो चाहता है कि सर अब क्या करना है, अब तो आंसर वैसे आ ही चुका है, कैसे सर, देखो सर ये टू कॉमन ले लेंगे तो ये टू टू कैंसिल, यहां से सर एक टू तो और था ही अपने पास का बाय टू वाला, ठीक है सर। सर अब बच कितना गया, अगर बच्चे यहाँ पे देखना चाहे तो फोर कॉस ए प्लस बी बाय टू तो चल ही रहा है, पता ये टू कॉमन लिया कट गया, बचा कितना ए प्लस सी, तो कॉस ए प्लस सी बाय टू भी है और इसका भी ये टू 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 कट गया बेटा, मतलब बच क्या गया कॉस ऑफ माइनस बी प्लस सी बाय टू, तो सर ये तो माइनस बचा लेकिन देखो पता होना चाहिए कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो उसको तू माइनस लिख या प्लस लिख, उसको तू माइनस लिख या प्लस लिख कोई फर्क पड़ना है क्या, नहीं सर उसको माइनस लिखें या प्लस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कॉस का माइनस प्लस होता है सर, कॉस का माइनस ही प्लस होता है, क्या सर एक उम्दा लेवल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, टेन 45 प्लस एक्स, टेन ए प्लस बी, तो सर इसका तो क्या होगा, टेन 45 प्लस टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन 45 टेन एक्स, ठीक है सर फॉर्मूला लगा रहे हो आप तो, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, सर नीचे क्या होगा, नीचे होगा टेन 45 माइनस कितना टेन एक्स, वन प्लस टेन 45 इंटू कितना टेन, वन प्लस कितना टेन 45 इंटू कितना टेन एक्स, सर आप भी समझते हो टेन 45 वन होता है, ये चल रहा है वन प्लस टेन एक्स, ये तो क्या हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स, ठीक है सर। नीचे क्या आ जाएगा वन माइनस टेन एक्स और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा वन प्लस टेन एक्स, क्या बात कर रहे हो सर, क्या सर ऐसे वन माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स, हाँ ये नीचू वाला ऐसा सीधे ऊपर जाएगा और ये दोनों आपस में आ जाएंगे, तो सर अल्टीमेटली क्या हो गया वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। चलो बेटा इन क्वेश्चंस को करके दिखा पाता है, चलो सर पहला क्वेश्चन है मेरे पास, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन में साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू टेन,
ए प्लस बी बाय टू कॉट ए माइनस बी बाय टू कॉट ए माइनस बी बाय टू। आ देखें जरा इसमें कितना है दम। ठीक है सर, समझते हैं उस बीच को भी। और एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा बेटा, देखते हैं अपन कौन बच्चा कर पाता है इसको। कॉस या प्लीज स्क्रीन एडजस्ट कर दो। कॉस थ्री ए प्लस कॉस फाइव ए प्लस कॉस सेवन ए प्लस कॉस फिफ्टीन ए इज इक्वल टू फोर कॉस फोर ए कॉस फाइव ए कॉस सिक्स ए। आप देखें जरा इसमें कितना है दम।